नहीं हंसे है किस बात पे? नहीं यूट्यूब पे दिखा देता है ना, यूट्यूब पे। अरे फोर व्हीलर उधर से रुकवा दीजिए, फिर ये लोग जब निकल जाएंगे उसके बाद चालू कीजिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा भीड़ ऐसे। आधा घंटा कतई जहर जाम लगा भाई, आधा घंटा वाले का। So, hello friends, मेरा नाम सोम्स का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। So guys, यार फाइनली इधर दीदी के यहाँ घूम चुके हैं और दीदी के यहाँ घूमने के बाद जस्ट मैं निकल चुका हूँ और अभी घर की तैयारी हो चुकी है, अभी घर चल रहे हैं हम लोग। तो चलो चलते हैं घर। और भाई कतई फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और मिरर को कर लेता हूँ सेट। बाकी मिरर हो चुका है सेट, हमको चलना है सीधा चंदौली, जो कि है अभी शायद इधर से 12 किलोमीटर या ऐसी कुछ। तो मैं वाइज़र को कर लेता हूँ नीचे, इधर सनसेट हो रहा है देख रहे हो ऊपर, तो मैं वाइज़र को कर लेता हूँ नीचे, ब्लैक वाइज़र को नीचे कर लेता हूँ और बड़े वाले वाइज़र को ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो धूप पड़ेगी और भाई कतई फोटो ब्लॉगिंग करने का सीन ही अलग है। तो यहाँ पर हम लोग घूम लिए हैं, घूमने के बाद जस्ट चलेंगे। तो भाई सबसे पहले आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हो भाई, इसके लिए दिल से धन्यवाद, मुझे तो सपोर्ट करने वाला मिला। चलो भाई आपसे मिलते हैं सीधा चंदौली वाले रोड पे, जो कि चंदौली जाता है। तो चलो सीधा आपसे मिलते हैं चंदौली वाले रोड पे, तब तक आप लोग ब्लॉग एंजॉय करो, रिएक्शन एंजॉय करो भाई। तो गाइस फाइनली आ चुके हम चंदौली वाले रोड पे और भाई हर बार की तरह से हमको जाना है पुल पे, वैसे हमको पुल पे जाना है और हर बार की तरह जैसे रोड ख़राब होता है वैसे इस बार भी रोड ख़राब है, कोई दो राय नहीं उसमें, क्योंकि ये रोड इतना ख़राब रोड है ना भाई। सरकार से यही निवेदन करूँगा कि कम से कम ये वाला रोड तो बनवा दें, बाकी भाई सब वाला रोड सही है, ठीक है, हर रोड सही है सिवाय इसके, ये वाला रोड बनवा दें, बाकी इधर तो फिलहाल के लिए सब रोड सही है। और फिलहाल ये घुसे जा रहे हैं इसी में, आ जाओ लेके इसी में भाई। तो पीछे से भी एक बंदा आ रहा है, अपने आगे से भी एक बंदा आ रहा है। और भाई रोड की तो बात ही अलग है, एकदम इतना अच्छा रोड है भाई, इतना अच्छा रोड पे हम लोग चल रहे हैं बताओ, और इतना अच्छा रोड है भाई ये देखो। कार वाले से आगे हमको निकलना होगा भाई, और जहाँ तक मेरे को लगता है गाइस कि हमको घर पहुँचते हो जाएगा अंधेरा, अभी अंधेरा हो चुका है, पता नहीं वीडियो का क्वालिटी कैसा आ रहा होगा, और जहाँ तक मेरे को लगता है कि अंधेरा तो होना ही होना है, कन्फर्म अंधेरा होना है, तो देखते हैं अंधेरा होता है कि नहीं। तो आ ही गया रोड पे, आई होप कि अंधेरा ना होना चाहिए, बाकी अगर अंधेरा हो जाता है तो फिर बात ही अलग है भाई, और इतना अच्छा रोड है क्या बताएं इतना अच्छे रोड को। तो बच्चे चिल्ला रहे हैं पीछे हेलो, तो बच्चे के चक्कर में पड़ेंगे तो भाई गड़बड़ी हो जाएगी। तो चलते हैं आगे पहुँचते चंदौली भाई, क्योंकि अभी टाइम लगेगा हमको जाने में, अभी ऑलमोस्ट हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम। अबे भाई क्या रोड है यार, इतना अच्छा रोड है यार, मेरे साइड होता तो मैं गाड़ी ही ना लेता यार, अगर इतना अच्छा रोड ये हमारे तरफ होता ना तो मैं गाड़ी ही नहीं खरीदता, बोलता कि नहीं भाई लेनी ही नहीं है गाड़ी ये वाली, क्योंकि इतने अच्छे रोड पे ये गाड़ी चली नहीं पाएगी ना। तो यार बीच में आने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है एकदम, आप लगभग 40-50-60 की स्पीड में रहो नॉर्मल वाले रोडों पे, क्योंकि भाई ऐसे लोग बीच में आएंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फ्यूल भराते हैं 100 रुपये का, 100 रुपये का फ्यूल भराने के बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि अभी इसमें तो फ्यूल ऑलमोस्ट है ही, थोड़ा सा लेंगे। किधर आए भाई, उधर हंसे हैं किस बात पे? नहीं हंसे हैं किस बात पे? हंसे हैं किस बात पे? हाँ नहीं ले, हमसे हम पूछें जब आपसे, आप किसी बात पे हंसे हैं ना, हमारे बात पे हंसे क्या? अच्छा उस पर हंस रहे हैं, हमको लगा कि हम फ्यूल मांग रहे तो हंस रहे हैं क्यों? हमको 100 का दीजिए, 100 रुपये का बस दीजिए हमको, फ्यूल है बट चलते समय ले लेना चाहिए, 100 रुपये का फ्यूल है लेकिन जाते हैं जब तो ले लेते हैं हमेशा,
फ्यूल है जब जाते हैं तब ले लेते हैं हमेशा। 100 रुपये कर लीजिए क्या? नहीं यूट्यूब पे दिखाई देता है ना, यूट्यूब पे। हाँ सेफ्टी है, यूट्यूबर है, पढ़ लीजिए नाम, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, आपका वीडियो आएगा देख लीजिएगा। हाँ आपका आएगा, आपसे पूछे है ना क्यों हंसे हैं, वो वीडियो आएगा। हाँ यूट्यूब पे देख लीजिएगा। हाँ तो हमको लगा, हाँ आपको लगा कि नहीं, बैटरी के पानी से कुछ नहीं होता। हम सोचे कि उधर जाएं कि इधर आएं, कौन सा लाइन बाद में लगेगा, नोटिस कटने चलान कटने तो कौन भरेगा। हो चुका पेट्रोल पंप वाले से बहस, हम उससे फ्यूल मांगे तो वो हंसने लगा। मैं पूछा क्यों हंस रहे हो भाई, तो बोला कि हम उनके बात पे हंस रहे हैं। बोले यार सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हंसो। मेरे को लगा मेरे बात पे हंस रहे यार, मैं सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्या बोल दिया कि वो मेरे बातों पे हंस रहे हैं। आ चुका है ब्रेकर, तो यार आप लोग जब ब्रेकर के पास रुको तो कम से कम पीछे मिरर में भी देख लिया करो। पीछे मिरर में नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पीछे वाला आदमी रुक गया है या आ रहा है, ठीक है? और सोचोगे आपके पीछे वाला आदमी रुक गया है और वो आ जाएगा तो इसी में हो जाएगा कांड और हो जाएगा दिक्कत भाई। तो पीछे वाले आदमी को अपने मिरर से देख लिया करो, बाकी उसके बाद जो होगा तो भाई देखो, इधर ताक ही नहीं रहा भाई, क्या बंदा यार, मतलब उधर ही देख के चलोगे, अपने साइड देख रहे इधर देख ही नहीं रहे भाई, ऐसे थोड़ी होता है बाइक ड्राइविंग, इनका तो चलान करना चाहिए पीछे वाले का। क्या यार बंदा ऐसे ही, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जन्म लेते हैं भाई ऐसे ही से। अभी और ही भाई अभी मर गया होता भाई। तो बीच में आ गया था ट्रक के, अभी अगर वो नहीं हटा होता तो वो मर चुका होता, अजीब आदमी यार। सो चलो चलते हैं भाई नॉन स्टॉप। देखो वो वाले हम लोग रामनगर वाले पुल पे आ गए, हमेशा कहता हूँ कि ये वाला पुल जो है वो रामनगर की तरह लगता है। और देखो यहाँ पे भीड़ भी लगता है, लोग रुकते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, जैसे देख लो इधर लोग रुके हैं ना, तो ये लोग फ़ोटो खिंचा के यहाँ से चले जाते हैं, देख लो यहाँ पे। और इधर भी देखो रेलवे क्रॉसिंग है नीचे, बाकी तो अपना इधर लीन कराने का मज़ा ही अलग है, एकदम लीन कराएंगे यार। बीच में लीन कराते टाइम अगर कोई आ जाता है ना भाई, तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता है भाई, क्या ही बताऊँ। अभी देखो लीन करा रहा था, बीच में लोग आ गए, सो लीन अपना हो ही नहीं पाया प्रॉपर। चलो तो मार्केट में हम लोग चलेंगे, आगे से हाईवे लेकिन आगे से हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग मार्केट से चलेंगे, मार्केट से रिएक्शन अच्छा आता है। सॉरी, तो हम लोग चलेंगे मार्केट से। अरे भाई साहब बहुत भीड़ है यार आगे, हम लोग आगे कैसे जाएंगे यार, तो बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई, निकल जाएंगे क्या भाई साहब? पहली बार इतना जाम में फंसा हूँ भाई। भाई भीड़ देख रहे हो, कैसे होगा भाई, निकल जाएंगे, ओवरहीट हो जाएगी बाइक भाई साहब, जबरदस्त भीड़ है भाई। अरे फोर व्हीलर उधर से रुकवा दीजिए, फिर ये लोग जब निकल जाएंगे उसके बाद चालू कीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा भीड़ ऐसे। गाइस फाइनली यार आधा घंटे जाम के बाद हम लोग अभी निकले हैं, और भाई साहब आधा घंटा कतई जहर जाम लगा भाई, आधा घंटा। हाईवे से क्या होता तो हाईवे जाने में निकल गया होता यार, ये नौबत ही ना आती। तो ये रहा हमारा चकिया का मोड़, हमको इधर घूमना है, तो फाइनली हम लोग आ चुके चकिया वाले मोड़ पे, और भाई कतई रिएक्शन चेहर आ रहा है यार, शाम को निकलने का तो ही मज़ा ही अलग है भाई, रिएक्शन दबा के आता है भाई। अगर तुम सोचोगे कि रिएक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी रिएक्शन मिलता ही है, रुक जाओ दादा। तो रिएक्शन मिल रहा है, क्या देख रहा है यार ये? तो बंदा देख रहा था कार के अंदर से भाई, ये लो आ जाओ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बहुत मार मारेंगे लोग। ये रोड है ही नहीं अच्छा, तो थोड़ा सा भी अच्छा रोड मिलता है तो यार। देखो अगर आप लोग को ये लगता है ना, अगर आप लोग के मन में ये भ्रम है कि जैसे गाड़ी धीरे चलाएंगे बाइक ओवरहीट हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगा भाई, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, आप लोग आराम से चलो। इसलिए आराम से चलो कि जब
बाइक ओवरहीट होगी तो इसमें फ़ैन लगा है, ऑटोमेटिक चलेगा, ठीक है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग तेज़ चलाएगा, ही ठंडा करो। जब आप लोग ऐसे ही करोगे तो फ़ैन क्या करेगा रह के, ठीक है। इसलिए आप लोग आराम से भी कहीं चलो और ठंडा, उसको हीट हो रहा है तो इसको हीट होने दो। आप लोग का रेडिएटर फ़ैन जो है वो इसको चल के वो ठंडा कर देगा। देखो मैं कितना आराम चल रहा हूँ, मेरे को तेज़ नहीं चलना, बट मैं छपरी वपरी यूट्यूबर या राइडर नहीं हूँ, इसके वजह से हमको रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। हम लोग चलते हैं तो हम लोग सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। अभी देखो मैं लगाया हूँ कैमरा, तो अभी किसी को प्रूफ से ये होगा तो मैं प्रूफ दूंगा ना, समझ रहे हो। अगर मैं ही गलती करूंगा तो भाई उल्टा मैं मराऊंगा ही, कैमरा कितना भी लगा रहा हूँ, गलती अगर मेरी रहेगी तो मैं फंसूंगा ही फंसूंगा। बाद में आपको ये भी बताता हूँ, मार्केट में हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ, जिसका पीछे वाला ब्रेक R15 में काम नहीं करता या वो लोग नहीं मारते कि यार पीछे वाला ब्रेक मारूंगा तो ABS वालों के लिए बता रहा हूँ, गिर जाऊँगा या ये होगा वो होगा, तो उनको मैं बता लूँ कि अगर पीछे वाले ब्रेक में आपको अच्छा सा ब्रेक नहीं लग रहा है और अगर आपके ब्रेक में ABS है तो आप ज़ोर से ब्रेक को पुश कर सकते हो अपने पैर से, लेकिन ABS रहेगा तब। बिना ABS वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि ABS क्या होता है तो आप लोग पहले जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, उसको देखो कि ABS वाला वीडियो क्या होता है। जब आपको ABS पता चल जाए उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखो, क्योंकि ये वीडियो ABS वालों के लिए है, बिना ABS वाले वीडियो के लिए नहीं है। इसलिए आप लोग पहले YouTube पे सर्च कर लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो आप लोग ज़ोर से ब्रेक को पुश कर सकते हो, जब तक ना लगे तब तक पुश करो, ठीक है। ये फिसलेगा नहीं क्योंकि इसमें ABS दिया है, ठीक है, एकदम नहीं फिसलेगा। आप लोग जितना ज़ोर से उतना ज़ोर से ब्रेक को मार सकते हो। जब फिसलने का डर रहता तब भाई होता कि नहीं फिसल जाएगा, ब्रेक नहीं मारूंगा, लेकिन फिसलने का कोई चांस ही नहीं है। इसके लिए आप लोग ब्रेक को जोर से अप्लाई कर सकते हो। आ चुके न वहीं पुल पे और यहाँ से हमको चलना है राइट, और भाई बंदों का रिएक्शन भाई साहब। यहाँ पे भी है सनशाइन, उसके बाद सूरज का प्रकाश आ रहा है हमारे फेस पे, तो हमने ब्लैक वाइजर को ऑफ कर दिया है। और ये देखो, ये देख रहे हैं अंकल मैजिक में से, तो निकलते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्पीड लेंगे। मैं 70-80 ऑलमोस्ट चलूँगा, ज़्यादा तेज़ चलूँगा ही नहीं भाई, देख लो 60 हो गया, 60-70 ही चलूँगा, 60-70 के ऊपर अगर चला गया तो मैं नहीं। देखो ये हाईवे है, लेकिन यार ये लेंथ देख, अब जैसे ये झाड़ियाँ हैं, ठीक है, आपको एकदम अच्छे से बता रहा हूँ, चलता या 100 पे चलता तो ये जो झाड़ियाँ हैं, ठीक है, इस झाड़ियों में से कोई भी एक सेकेंड में आ सकता है, समझ लो कुत्ता ही आ जाएगा या बिल्ली ही आ जाएगा, कोई ज़रूर आएगा एक ना एक, समझ रहे हो। इसके वजह से आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये ABS और बिना नॉन ABS दोनों के लिए बता रहा हूँ। और जब गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे भाई, जब तुरंत आ ही जाएगा तो आप क्या सोचोगे कि नहीं इसमें कुछ है। अभी जैसे ये दोनों झाड़ियाँ हैं तो मेरे को क्या पता ही कौन कहाँ बैठा है, समझ रहे हो। मान लो आपको आपकी गाड़ी में डिस्क ब्रेक है, आपकी गाड़ी में ABS लगा है, हर चीज़ है, लेकिन इस बात को आप लोग बताना कि मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मान लो यहीं से रास्ता कटा हो, अब मेरे को दिख रहा है कि रास्ता है भाई, इतना झाड़ी है, अब इधर से कुत्ता आएगा, इधर से कुत्ता आएगा, या इधर से कोई आदमी ही निकल के आ जाएगा बीच में, तो क्या आप गाड़ी को तुरंत कंट्रोल कर लोगे? कभी नहीं होगा भाई। वो कितना भी बड़ा राइडर हो, उसके बाइक में कितना भी बड़ा डिस्क ब्रेक लगा हो, डबल डिस्क ब्रेक हो, चार डिस्क ब्रेक हो, हर चीज़ हो, लेकिन भाई वो नहीं रोक पाएगा। इधर चलते हैं हम लोग मोहम्मदाबाद, मोहम्मदाबाद आपसे मिलते हैं गाइस। Way back, let's go. We through it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense. Don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way. हम लोग पहुँच चुके हैं मोहम्मदाबाद और ब्लैक वाइजर को करते हैं हम ऊपर। हो चुका है शाम, अच्छे से दिख नहीं रहा हमको, और जो है भाई कितना रोशनी है। अभी ब्लैक वाइजर को मैंने ओपन कर दिया क्योंकि मार्केट आ चुका है। व्हाइट वाला विंडशील्ड मैंने नीचे कर दिया है वाइजर। यहाँ से आ चुके हैं हम लोग मोहम्मदाबाद चकिया के। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं झंडा गली वाले मोड़ पे, और यहाँ से हमको होना है लेफ्ट। 90 किलोमीटर ये मैंने चलाया, उसके बाद इससे पहले मैं गया था मुगल सराय, जो कि भाई साहब मैंने अपाची लेके गया था मैं, तो अपाची लेके जाने पे भाई वही बात की, उस पर भी ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर चला लिया था, दोनों मिला के वही 80 किलोमीटर
तो आज मैंने टोटल 150 किलोमीटर का शायद राइडिंग कर लिया है। 100 किलोमीटर तो ऐसे ही हो गया, अब 50 किलोमीटर का मुगल सराय भी नहीं होगा। अगर 100 किलोमीटर होगा मुगल सराय तो 200 किलोमीटर हो गया, अगर 50 किलोमीटर होगा तो 150 किलोमीटर हो गया, जो कि आज मैंने लगातार राइडिंग की है। और मुगल सराय गया था तो बिना हेलमेट के गया था, और अभी हेलमेट पहन के राइड कर रहा हूँ। जो उसका मैं ब्लॉग यार नहीं बना पाया, मेरे को बहुत पछतावा हो रहा था। मैं सोचा था कि ब्लॉग बनाऊंगा, बट उसका ब्लॉग मैं नहीं बना पाया था, जिसके वजह से यार मन में बहुत दुख हो रहा था। सो गाइस, इसका लगभग टाइम आ चुका है फ्रंट का डिस्पैच चेंज करने का, तो मैं लगभग वीडियो में बता दूंगा आने वाले वीडियो में, इसका फ्रंट का डिस्पैच चेंज करना है हमको। यार अपने दोस्तों से मिल गया, इधर मार्केट में अपना दोस्त था तो उससे मैं मिल चुका हूँ। मिलने के बाद जस्ट अपने आ चुका हूँ रोड पे, और भाई कहते ही मैं आ चुका हूँ अपने घर के साइड। और मैं जानता हूँ मेरे को बहुत डांट पड़ने वाली थी, क्योंकि मैं गया था बस तीज लेके, मैं सोचा कि चला आऊँगा यार, और तीज ले जाने के चक्कर में उधर रुक गया भाई। अब देखो जाने के बाद आने का मन ही नहीं करता है, तो जब मैं रुक गया तो उसी के लिए मेरे को डांट पड़ेगी। अब वो तो घर पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कि डांट पड़ती कि नहीं पड़ती है। जहाँ तक मेरे को लगता है कि डांट तो पक्का पड़ेगा। इधर से होना था हमको राइट। सो गाइस फाइनली हम आ चुके, तो इधर सनसाइड हो रहा है इसलिए मैं ब्लैक वाइजर का यूज करूँगा। जब अपने को यार सुविधा मिला है तो दिक्कत क्या है, आगे गली में जाके चेंज कर लेंगे। तो देखते हैं क्या डांट पड़ता है हमको घर पे। भाई आप लोग को भी पता है कि डांट पड़ेगा, मुझे भी पता है डांट पड़ेगा। सो फाइनली हम पहुंच चुके घर पे। उम्मीद करूंगा कि आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए ब्लॉग का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्रेजी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जन्म लेते हैं भाई ऐसे।